नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के होश अब ठिकाने आ गए हैं। भारत के खिलाफ मुहिम चलाकर अपने ही देश की हालत खस्ता कर चुके मुइजू अब मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में रविवार वो दिल्ली पहुंचे और आज यानी सोमवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और उस दौरान वो पीएम मोदी की आर्थिक मदद और कर्ज अदायगी में ढील देने की गुजारिश भी करने वाले हैं। मुइजू ने भारत आने से पहले बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत मालदीव का बोझ कम करने में मदद करेगा। मुइजू ने ऐसे में कहा, भारत हमारी आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ है, हमें उम्मीद है कि वो हमारे सबसे बड़े भागीदारों में से एक होने के नाते हमारे बोझ को कम करने, हमारे सामने आने वाले चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान खोजने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कभी चीन के कंधे पर सवार होकर भारत को आंख दिखाने वाले मुइजू अब दुहाई दे रहे हैं कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में मुइजू ने कहा कि भारत मालदीव का एक बेशकीमती साझेदार और दोस्त है और ये संबंध आपसी समान और साझा हितों पर आधारित है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगा। मुइजू की ये यात्रा मालदीव में गहरे वित्तीय संकट के बीच हो रही है। मालदीव का विदेश मुद्रा भंडार 44 करोड़ डॉलर तक गिर गया है और इसी के साथ ही उस पर लोन डिफॉल्ट का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल पर्यटक को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे में पिछले कुछ महीनों के दौरान मुइजू सरकार के भारत विरोधी रुख की वजह से मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 41% तक की गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि राष्ट्रपति मुइजू के इस दौरे का एक मकसद भारत से मालदीव में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अलावा भारत के साथ संबंधों को बेहतर भी करना होगा। अपने इन 4 दिनों के दौरान राष्ट्रपति मुइजू भारत पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए ही दिल्ली के अलावा मुंबई और बैंगलोर में भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं ताकि मालदीव को लेकर एक संदेश जाए कि भारतीय पर्यटक एक बार फिर मालदीव की तरह रुक करें। अब देखना होगा कि मुइजू अपने इस भारत दौरे के दौरान मालदीव की मुसीबत को आखिर कितना हल कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।